थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो बिफोर कमिंग टू द स्टेटमेंट राइट अवे वी हैड रिटन फोर पॉइंट्स, कि एक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, और एक्शन और रिएक्शन को इंटरैक्शन कहते हैं, ठीक है। व्हेन देयर इज अ म्यूचुअल इन्फ्लुएंस बिटवीन टू बॉडीज थ्रू अ फोर्स वी कॉल इट इंटरैक्शन, और इंटरैक्शन जब हो रहा है तो उसमें से एक का एक्शन होता है दूसरे का रिएक्शन, यही हमने थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर द नेक्स्ट थिंग वी स्टार्टेड वाज अबाउट इंपल्स, कि जब बहुत कम समय में, एक बहुत कम समय के लिए, से अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए कोई फोर्स एक्ट करे एंड इट क्रिएट्स अ मेजर चेंज, देन वी कॉल इट एन इंपल्स, ठीक है, ये इतना हम लोगों ने पढ़ा था। फिर देयर वाज अ डाउट रिगार्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बीइंग देयर इन द सिलेबस, फिर बाद में समझ में आया कि यस इज देयर, सो गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर एंड वी विल स्टडी दैट टुडे। यस आरजू, इम्पल्सिव फोर्स, वेरी ऑब्वियस एग्जाम्पल, व्हेन सपोज समबडी स्लैप्स अस, द कॉन्टैक्ट इज फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन अस, ठीक है। तनु, तनु कह रहा है सुप्रिया, वेयर इज दैट गर्ल, सुप्रिया नहीं है क्लास में, हाँ शी इज नॉट देयर, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ कल यस्टरडे आई रिसीव वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि 1.5 बिलियन द होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जंप्स एट द सेम टाइम ऑन अर्थ, विल इट कॉज द अर्थ टू ब्रेक अपार्ट, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। देखो अगर तुम लोगों ने साउंड का चैप्टर पढ़ा होगा इन द लोअर क्लास, सो वी ऑल नो दैट साउंड वेव इज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम, ये सबने पढ़ा था कि एक मीडियम के पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करते हैं तभी तुम्हें साउंड सुनाई पड़ता है, ठीक है। तो अब उसमें हम स्केल के वाइब्रेशन को भी देखते हैं या फिर फैन के वाइब्रेशन को देखते हैं, द वाइब्रेशन ऑफ लीव्स प्रोड्यूस द रस्टलिंग साउंड ऑफ लीव्स जब हवा चलती है, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेशन होते हैं ये नॉर्मली दो तरह के होते हैं, नेचुरल वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। नाउ फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन आप क्या करते हो, यू अप्लाई सम फोर्स। अब ये जो अर्थ है इट्स एक्चुअली हैंगिंग इन द यूनिवर्स, ये लटका हुआ है सिंपली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द सन एंड द नेबरिंग प्लैनेट्स। ये जो अगला चैप्टर है ग्रेविटेशन का उसमें आप लोग इसको समझे, ठीक है। अब ऑल ऑफ अ सडन इफ 1.5 बिलियन पीपल जंप ऑन द अर्थ क्रस्ट या सरफेस, अर्थ सरफेस, तो होगा क्या कि वो अगर अपने ऑर्बिट से 0.0001 डिग्री भी नीचे आएगा तो फिर वो उतना ही ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक रबर बैंड माइग्रेट करता है या एक स्केल माइग्रेट करती है उस तरह से अर्थ माइग्रेट कर सकता है, एंड इफ द फोर्स इज लार्ज इनफ तो ऐसा भी हो सकता है कि वो उस मैग्नेटिक ऑर्बिट से निकल जाए एंड समथिंग वियर्ड माइट टेक प्लेस, ठीक है। अगर हो सकता है उसका ऑर्बिट थोड़ा सा भी डिसलोकेट हो जाए तो पूरी लाइफ अर्थ पे जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि ऑल द साइंटिस्ट से कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इट्स एक्चुअल पोजिशन जो आज है, इससे एक डिग्री भी इधर उधर होगी तो शायद ऐसा पॉसिबल ना हो जाए, ठीक है। तो द क्वेश्चन वॉज गुड, साउंड अ बिट क्रेजी बट या द क्वेश्चन वॉज गुड, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। एक वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, एक चैनल है व्हाट इफ, कभी कभी स्क्रॉल करते रहते हो तो इसके वीडियोज आ जाते हैं, वॉट इफ, वॉट इफ में था कि द डीपेस्ट पार्ट इन दी अर्थ क्रस्ट इज वॉट, द मारियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन,
तो उसका एक वीडियो था कि अगर उस ट्रेंच में जाके आप न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देंगे तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन देयर। ठीक है, इस वीडियो को देखना, इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो। नाउ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको स्टार्ट करेंगे। सो गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर एंड वी स्टार्ट। यस एक्सक्यूज विशाल मिश्रा, यस विशाल मिश्रा एक्सक्यूज। नहीं, वो डिपेंड करेगा कि वो सचाल डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितना है पानी में, बुलेट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है पानी में। जॉन विक मूवी देखी है सचाल? इसीलिए वाटर में यूज करने के लिए अलग से वाटर गन्स हो, उसमें नॉर्मल गन नहीं ऐड करता। एंड इफ द डिस्टेंस, जैसे अब व्हेन द बुलेट ट्रेवल्स इन एयर इट इज फेसिंग सम फ्रिक्शन, व्हेन द बुलेट ट्रेवल्स इन वैक्यूम इट इज फेसिंग नो फ्रिक्शन, व्हेन द बुलेट ट्रेवल्स इन वाटर इट फेसेस अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो उससे जो बुलेट का काइनेटिक एनर्जी है मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग दैट फ्रिक्शन, वर्किंग अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्टेड बाय वाटर, इसीलिए वो ज्यादा दूर नहीं जाता। अब अनलेस एंड अंटिल समबडी शूट्स यू फ्रॉम अ फ्यू इंचेस से 2-3 इंच तो वो बुलेट हर्ट करेगा, बट इफ यू आर से 3 फीट और 4 फीट अवे तब नहीं हो। उसमें भी दो चीजें, इफ यू आर एंड द पर्सन शूटिंग यू इज डाउन तो उसको बुलेट जो वो शूट करेगा वो अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्ट कर रहा हो। ठीक है, एंड इफ द पर्सन शूटिंग यू इज अप एंड यू आर डाउन तो उसको ग्रेविटी की फोर्स का हेल्प मिलेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मतलब एक लेम बात कह देगा शशांक की पानी में गोली लगेगी नहीं लगेगी, हाँ लग सकती है भाई, लेकिन उतना जिसको कहते हैं ना सटार की बात, वैसे आप सटार हो। ठीक है, नाउ वी आर ट्राइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लेट देयर बी टू बॉडीज, लेट there be two bodies that collide, let there be two bodies that collide, COLLIDE, collide का मतलब क्या हुआ, टकराना। Let there be two bodies which collide. Let there be two bodies which collide. ठीक है, आगे लिखेंगे, Let there be two bodies which collide. ठीक है, अब अगला लिखेंगे, लेट द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी बी एम वन, लेट द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी बी एम वन, अगर तुम्हारा माइक अनम्यूट हो गया कुछ टीवी की जो देखो वो सुनाई पड़ रहा है, अगर हम क्लास कर रहे ऑनलाइन मेरी मम्मी पीछे जाए तो तीन पापा हो गए वीडियो में दिख जाइए तो हम एक बार हफ्ता फिर शरद के बारे में क्लास नहीं करता, या मम्मी लोग जैसे कभी कभी आशीर्वाद दे देती ना नॉर्मल लोकल लैंग्वेज वो एकदम क्लास में घूम जाए तो हम एकदम मतलब शरद से मर जाए, आई डोंट नो मम्मी का पैसा या सुसाइडल कोई काम कर जाए मम्मी लोग बहुत अंदर हो जाए गुस्से। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने लिखा था लेट देयर बी टू बॉडीज विच कोलाइड, लेट द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी बी एम वन, लेट द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी बी एम वन। ठीक है, एंड लेट द मास ऑफ सेकेंड बॉडी बी एम टू,
and let the mass of second body be F2. देखिए सबने अगला प्रश्न देखो, लेट द फर्स्ट बॉडी बी मूविंग विथ, इनिशियल वेलोसिटी यू वन, इनिशियल वेलोसिटी यू वन, यस यू कैन श्योर आप अल्फाबेट का भी लिख सकते हैं, यू के लिए बहुत ही यूजफुल अल्फाबेट फॉर द लैटिन लैंग्वेज, ठीक है. लेट द फर्स्ट बॉडी बी मूविंग एट एन इनिशियल वेलोसिटी यू वन एंड द सेकेंड बॉडी बी मूविंग एट एंड द सेकेंड बॉडी एंड द सेकेंड बॉडी बी मूविंग एट इनिशियल वेलोसिटी एंड द सेकेंड बॉडी be moving at initial velocity u2, u2, towards each other, अब अगर दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं आ रहे तो टक्कर नहीं होगा, हो जाएगी तभी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव करें, पर एक की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है जिसमें हम कहते हैं पीछे से घूमते वो वाली, ठीक है. ये इतना पॉइंट आपने लिख लिया, आपने उनकी इनिशियल वैल्यू उन्हें असाइन कर दी है, एक का मास m1 है दूसरे का मास m2 है, एक u1 वेलोसिटी से चल रहा था एक u2 वेलोसिटी से, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है. अब आप एक लाइन छोड़ लिख दो, लेट द टू बॉडीज कोलाइड, लेट द टू बॉडीज कोलाइड, हाँ ई चंद्र के बाद अगली लाइन लेट द टू बॉडीज कोलाइड, ठीक है. लिखिए भाई अब अगला लिख लेना, लेट द न्यू वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन, लेट द न्यू velocities, let the new velocities of the bodies, let the new velocities of the bodies after collision, new velocities of the bodies after collision, C O double L I S I O N, collision, टकराव, b v1 एंड v2, b v1 एंड v2, b v1 एंड v2, ठीक है. तो क्या बात हो गई, दो बॉडीज थी, एक का मास m1 था एक का मास m2 था, दोनों u1 और u2 वेलोसिटी से चल रही थी, फिर टकराव होता है, अब दोनों की नई वेलोसिटी है v1 और v2, ठीक है. अब एक बात देखो, इफ एफ वन एंड एफ टू आर द, इफ एफ वन एंड एफ टू आर द, एफ वन एंड एफ टू आर द forces exerted, if F1 and F2 are the forces exerted, E-X-E-R-T-E-D, exerted
by the body 1 and body 2. By the body 1 and body 2. On each other. On each other. Respectively. Respectively. ठीक है, लिख लिया। अब बुक की तरफ चलते हैं। अभी तक जितना लिटरेचर लिखना था, जितना साहित्य का पार्ट था, लिटरेचर पार्ट ऑफ द डेरिवेशन वी हैव रिटन, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द मैथमेटिकल पार्ट विच वी कॉल द डेरिवेशन, राइट? बाई
ए और बी, इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा उल्टा रहता है, ठीक है। अगर एफ ए बी लिखा है तो फोर्स हम लोग सोचेंगे ए पे एक्ट कर रहा है, नहीं बी पे एक्ट कर रहा है, लगा कौन रहा है ए। बात समझ आ गई ये सब? वो भी चलेगा डायग्राम में, ठीक है। अब यहां पे अगर सबको दिख रहा हो द मोमेंटा, प्लूरल ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर एल ए यू ए एंड एम ए बी ए, मतलब कोलिजन के पहले हम लोगों ने वन और टू लिख रखा है, तो इसीलिए द मोमेंटम ऑफ द बॉल बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा एम वन यू वन, और आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगा एम वन वी वन, ठीक है। ये बात समझ आई सबको? और सेकेंड बॉल में इसी तरह क्या हो जाएगा एम टू यू टू और फिर एम टू वी टू, ठीक है। अब मोमेंटम पे अगर वेलोसिटी बदल रही है और मोमेंटम होता है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग दिस इंडिकेट्स दैट देयर मस्ट डेफिनेटली बी अ चेंज इन मोमेंटम ऑल्सो। ये बात सब मान रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, इन्होंने क्या कैलकुलेट करा चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन, और अगर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो क्या हो जाएगा एम वन यू वन माइनस एम वन वी वन अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकलेगा इसी तरह से। बात समझ आ रही सबको? कोई ऐसा जिसके ऊपर से हो रही हो दी बेस राइट, एनी वन रोड भाई अभी भाई तुम्हारी कैटेगरी के ऊपर बैठे, देखो दो बॉडी है, ठीक है। ये क्या है एम वन मूविंग विथ यू वन और ये क्या है एम टू मूविंग विथ यू टू, इनका कोलिजन होता है तो हम नई वेलोसिटी क्या है मास तो वही जाएगा बॉल का, नई जो है वो है v1 और इसकी क्या है m2 की v2 है, ठीक है। वो पेज चिपका के बना हुआ डायग्राम उससे कंफ्यूजन हो, ठीक है। अब कितना बढ़ रहा है, सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट हम कहते सिंपली v1 वेलोसिटी चल रहा था v2 से चलने लगा तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या निकालते हैं v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी बताता है और अपॉन t कर देते तो क्या हो जाता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसी तरह से चेंज इन मोमेंटम यहां क्या हो जाएगा भाई इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, ठीक है। आमतौर पे फाइनल वाले को पहले लिखा जाता है, ये बात हमेशा याद रखते हैं, ठीक है। ठीक है तो हम अपना करेक्शन कर लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ये किसका ही बात हो रही है अभी, दिस वी आर टॉकिंग फॉर द बॉडी वन, ठीक है। क्या हो जाएगा एम वन बी वन माइनस एम टू सॉरी ये हो जाएगा एम वन बी वन माइनस एम वन यू वन, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ये चेंज इन मोमेंटम फॉर द फर्स्ट बॉडी, ठीक है। अब इसमें दोनों में एम वन कॉमन है तो मैथ्स हमें ये परमिशन देता है कि हम इसे ब्रैकेट के बाहर लिखिए और इसको लिख लीजिए v1 माइनस u1, ठीक है। ये क्या आया है, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। हाँ अब चेंज इन मोमेंटम तो ये आ गया, अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा m ब्रैकेट में v1 माइनस u1 अपॉन t, लिख सकते हैं। कोई ऐसा जो इस बात का विरोध करे,
ये की बात समझ में आ रही सबको? अब देखो क्या बुक में भी यही किया गया है, ये जो एक्सप्रेशन है बुक में अगर आपको दिख रहा हूं क्या ये उससे मिलता जुलता है? बस बुक में वन की जगह ए, दिख रहा सबको? बी शायद है ना, ठीक है। अब अगर ऐसा ही इन्होंने करा है फर्स्ट बॉडी के लिए तो देन द रूल इज गोइंग टू बी द सेम फॉर द सेकेंड बॉडी। तो फॉर द सेकेंड बॉडी क्या होगा, हम इसके लिए डायरेक्टली क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डिग्री क्या हो जाएगा, एम टू ब्रैकेट में बी टू माइनस यू टू अपॉन टी, ठीक है। इस बात से सब सहमत है, डज एवरीबॉडी अग्री विद दी एक्सप्रेशन, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स ए बी एक्सर्टेड बाय द बॉल ए और बॉल बी। अब देखो इन्होंने ए बी का यूज करा है बट हम किसका यूज करेंगे, बी से एफ वन टू एंड एफ टू वन, ठीक है। अब इस टर्म का यूज करेंगे क्योंकि हम काफी रोटेशन वन और टू देखे सर, ठीक। तो अब कोलिजन हो रहा है तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, देखो क्लियर बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एफ वन टू शुड बी इक्वल टू एफ टू वन। ये बात से सब अग्री करते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, राइट। एफ वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ टू, एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस एफ टू वन हो जाएगा, डायरेक्शन है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक जो है सपोज करो नॉर्थ से साउथ जा रही है तो दूसरी बॉल साउथ टू नॉर्थ आ रही है, इसीलिए जो नॉर्थ से साउथ वाली बॉल थी उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। ये बात सब बनते तो भाई वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा। यहां से एक छोटा सा माइनस साइन आएगा, इफ इट्स नॉट ड्यू टू दैट बी ब्लैक इन कलर, इसका कलर इस माइनस साइन का थोड़ा सा ऑल्टर कर देगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऐसा कलर चेंज, बट आई होप का माइनस इज विजिबल, ठीक है। ये दिख गया सबको, नाउ लेट अस सी देखो यही बात हो ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स ए बी एक्सर्टेड बाय बॉल ए ऑन बॉल बी एंड द फोर्स बी एक्सर्टेड बाय बॉल बी ऑन बॉल ए मस्ट बी इक्वल एट ऑपोजिट टू ईच अदर, देयरफॉर एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। देखो उन्होंने यही कहा है, कहा है ठीक है। अब सिंपली इसी को हमें इक्वेशन में रखना है, एफ वन टू क्या था, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, मतलब टी इज इक्वल टू एम बी है तो एम बी और एम ए बराबर होते थे। ये जो ऊपर हमने कैलकुलेट कर रखा है ये क्या है, ये एक्चुअली फोर्स कैलकुलेट कर रखा है, एम वन ब्रैकेट में क्या आ गया बी वन माइनस यू वन और ये अपॉन में टी था, और ये क्या हो गया माइनस साइन ब्रैकेट में क्या है एम टू और ब्रैकेट में ये क्या आ गया बी टू माइनस यू टू अपॉन टी,
टी दोनों में सेम है क्योंकि द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज सेम फॉर बोथ द बॉडी, जितनी देर जितनी देर पहली बॉडी से दूसरे को छुआ है उतनी देर दूसरी बॉडी से पहले को छुआ है। डज एवरीबॉडी अग्री? ठीक है, इसीलिए टी क्या है, टी दोनों में कॉमन है। अब मैथ से ये पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर है इक्वल के दोनों तरफ है और सेम है तो उसे ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ द एक्सप्रेशन बिकम्स, ये इतना देख लिया ना सर, अब इसको हम हटा रहे हैं, ये भी जगह है मुझे इस बारे में लिख दिया। नाउ द एक्सप्रेशन बिकम्स, हाँ टी कैंसिल आउट हो जाए, कैसे होगा चलो फिर से लिख लेते हैं। एम वन ब्रैकेट में बी वन माइनस यू वन अपॉन टी इज इक्वल टू एम टू, ये ब्रैकेट रहेगा और यहाँ पे माइनस साइन है, एम टू बी टू माइनस यू टू अपॉन टी, यही था। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो टी है क्या हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल किस तरह ले आ सकते हैं? अब ये क्या हो जाएगा, एम वन टी ब्रैकेट में बी वन माइनस यू वन अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस एम टू ब्रैकेट में बी टू माइनस यू टू, ऐसे लिख सकते हैं भाई। अब ये टी और ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको कैसे कैंसिल आउट होगा? वी हैव अ प्रैक्टिकल पीरियड और उसमें इस डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।